सत्यम शिवम सुंदरम, देवों के देव महादेव, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो सृष्टि का आधार हैं, आदि हैं और अंत जिनसे हैं, उसी भगवान भोलेनाथ की एक कथा आज हम आपको सुनाएंगे, जो कथा ये साबित करती है कि भगवान भोलेनाथ ही इस सृष्टि के आधार हैं, उन्हीं से ये संसार है, जिसकी कृपा से पत्ते हिलते हैं, जिसकी कृपा से चिड़ियां चहकती हैं, जिनकी कृपा से सूरज उगता है और जिनकी कृपा से रात हो जाती है। और कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो चलिए सुनते हैं इस पावन संगीत में कथा को रविराज की सुमधुर आवाज में। शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, शिव से ही संसार। शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार। ब्रह्मा विष्णु संग आए, देख शिव जी मुस्काए, दोनों को आसन देकर वो आदर सहित बिठाए, ब्रह्मा जी शिव से बोले, राज वो दिल का खोले, दोनों में कौन बड़ा है बता दो हे बम भोले, सत्यम शिवम सुंदरम। आप जो कह देंगे हम दोनों, आप जो कह देंगे हम दोनों, कर लेंगे स्वीकार। शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार, साबित करती है भगवान भोलेनाथ ही इस सृष्टि के आधार है, उन्हीं से ये संसार है, जिसकी कृपा से पत्ते हिलते हैं, जिसकी कृपा से चिड़िया चहकती हैं, जिनकी कृपा से सूरज उगता है और जिनकी कृपा से रात हो जाती है। और कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल की का। बात है जब ब्रह्मा जी को हैं, ये अहंकार हो गया संगीत में पड़ा हूँ रविराज। ब्रह्मा देव ने कहा, इस सृष्टि को रचने वाला मैं हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। विष्णु जी ने कहा, इस सृष्टि का पालनहार मैं हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों में से कौन बड़ा है, इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी तो भोलेनाथ इस विवाद को सुलझाने के लिए शिव जी एक स्तंभलिंग स्थापित किया और ये शर्त रखी कि जो इसके आदि और अंत का पता लगा लेगा, मैं उसी को सर्वश्रेष्ठ मानूंगा। और ये सुनते ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी स्तंभलिंग के आदि और अंत का पता लगाने निकल पड़े। आगे क्या हुआ? शिव जी के हारे के पता लगने ना पाए, अंत में हार मान कर विष्णु जी वापस आए,
कभी ढूंढ न पाए, वो मन ही मन पछताए। विष्णु गर ढूंढ लिए तो वो हमसे बड़ा हो जाए। ब्रह्मा विष्णु संग आए, कौन शिव जी मुस्काए। दोनों को आसन देकर वो आदर से विचार। शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार। ब्रह्मा जी शिव से बोले, राज वो दिल का खोले। दोनों में कौन बड़ा है बता दो हे बम भोले। आप जो कह देंगे हम दोनों, आप जो कह देंगे हम दोनों, कर लेंगे सीता। सृष्टि के आधार, आदि और अंत को खोजने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन असफल रहे, और अंत में हार मानकर शंकर भगवान के पास आकर दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हे भोले, आपकी महिमा अपार है, आपके आदि और अंत का खोज करना हमारे वश की बात है। हे प्रभु, आप तो आदि अनादि अनामे अविचल और अविनाशी हैं। आपका पता लगाना तो असंभव है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रह्मा जी सोचते हैं की बात है कि मैंने जब पता ब्रह्मा नहीं लगाया, ये अहंकार अगर विष्णु ने पता लगा लिया, ब्रह्मा देव ने कहा कि इस सृष्टि बड़ा होने वाला मैं, ऐसा सोच कर मैं बड़ा हूं। क्या किया विष्णु जी ने कहा इस सृष्टि का पालनहार मैं हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। दोनों में से कौन बड़ा है इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों शिवजी के पास से अपनी, तो भोलेनाथ ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक स्तंभलिंग स्थापित किया और ये शर्त रखी कि जो इसके आदि और अंत का पता लगा लेगा मैं उसी को सर्वश्रेष्ठ मानूंगा। और ये सुनते ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस स्तंभलिंग के आदि और अंत का पता लगाने निकल पड़े। आगे क्या हुआ? विष्णु जी को जिके हारे, पता लगने ना पाए। अंत में हार कौन बड़ा है अब तो बताए, कौन बड़ा है अब तो बताए, करके सोच विचार। शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी ढूंढ न पाए के आधार। मन ही मन पछताए, विष्णु गर ढूंढ लिए तो वो हमसे बड़ा हो जाए। कौन उपाय करूं ब्रह्मा जी, कौन उपाय करूं ब्रह्मा जी, करने लगे विचार। शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव ब्रह्मा जी तो पता लगा नहीं पाए, लेकिन झूठ बोलकर और झूठ को सत्य साबित करने के लिए केवड़ा के फूल को गवाह बनाकर प्रस्तुत किए, और ब्रह्मा जी के साथ साथ केवड़ा के फूल ने भी झूठ बोल दिया कि ब्रह्मदेव ने स्तंभलिंग के आदि का पता लगा लिया और मुझे वहां चढ़ाकर अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और इस झूठ को सुनकर देवों के देव महादेव भगवान शंकर क्रोधित हो गए, और झूठ तो झूठ था, भगवान से इस सृष्टि में भला कोई झूठ छुपा है। भगवान इस झूठ को सुन के पता लोग भगवान शंकर क्रोधित हो गए, आदि और अंत पकड़ खोजने का बहुत उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए असफल कदम उठाया। आइए और अंत में हुए क्रोधित त्रिपुरारी, गर्जना हुई है भारी। टूटा स्तंभ लिंग तो प्रकट भैरव अवतारी, शिव ने आदेश दिया है ब्रह्मा के सिर को उड़ाओ, काट के लाओ भैरव
तनिक ना देर लगाओ। श्राप दिए केवड़ा को पूजा में, श्राप दिए केवड़ा को पूजा में, ना कोई करे स्वीकार। शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव ही हैं सृष्टि के आधार। प्रिय श्रोताओं, इसी प्रकार ये साबित हुआ कि भगवान शंकर से कुछ नहीं छुपा है और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी इस बात को मान गए कि भोलेनाथ से इस सृष्टि में कुछ नहीं छुपा। इस कथा से ये साबित होता है कि भोलेनाथ इस सृष्टि का हर रूप जानते हैं, हर रंग जानते हैं। इस सृष्टि में उनसे कुछ नहीं छुपा और वो सत्य पे चलने की राह दिखाते हैं। जय भोलेनाथ।